हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक टू बूम। मैं हूं फहाद। दोस्तों, अपने डेस्कटॉप के लिए प्रोसेसर चूज करना अपने आप में एक टास्क होता है, जिसमें हमें काफी ज्यादा देखना पड़ता है कि भैया कौन सा प्रोसेसर हम सेलेक्ट करें, कौन सा ना करें। अब प्रोसेसर चूज करने की बात जहां पे है, तो भैया उसके लिए हम जैसे लोग बैठे हैं जो कि पीसी रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, लेकिन भैया आप ऐसे हो कि लाइक भी नहीं करते वीडियोस को और ना सब्सक्राइब करना है आपका। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई। तो भैया कर लो, पहले लाइक कर लो वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लो नीचे नहीं किया हो तो। कन्फ्यूजन्स का मामला तो अपनी जगह है, लेकिन ये चार मिस्टेक्स ऐसी हैं जो अक्सर प्रोसेसर लेने में लोग करते हैं। तो मिस्टेक नंबर वन, अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा महंगा प्रोसेसर ले लेना। अब महंगे से मुराद यहाँ पे पावर से भी है, जाहिर सी बात है ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है तो वो ज्यादा महंगा होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उससे ज्यादा महंगा प्रोसेसर, उससे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर ले बैठते हैं। लाइक अगर मैं इंटेल की प्रोसेसर की बात करूं, तो अगर किसी का काम i3 जैसे प्रोसेसर से चल रहा है तो वो i5 ले लेता है, और अगर किसी का काम i5 जैसे प्रोसेसर से चल रहा है तो वो i7 तक पहुंच जाता है ज्यादा पैसे खर्च करके। और सेम चीज AMD के Ryzen प्रोसेसर्स में, किसी का अगर काम Ryzen 3 जैसे प्रोसेसर से चल जाएगा लेकिन वो जानकारी ना होने की वजह से Ryzen 5 तक पहुंच जाता है, और जिनका काम Ryzen 5 से चल सकता है वो लोग Ryzen 7 ले बैठते हैं। तो भाई इस बात का ख्याल जो है आप लोग जरूर रखें कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। आप जो भी काम करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो एडिटिंग का काम करने वाले हो, खाली फोटो एडिटिंग करने वाले हो, या खाली ट्रेडिंग जैसे काम करने वाले हो, लाइक आपका स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गया, खाली ट्रेडिंग जैसे काम करने वाले हो, या आप कोई भी जनरल टास्क करने वाले हो, या और कोई ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज करने वाले हो जिसके अंदर आपका काम इंटेल के i3 12 जनरेशन जैसे प्रोसेसर से चल सकता है, तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करके i5 तक जाने की जरूरत नहीं है। लाइक अगर हम प्राइस डिफरेंस देखें इंटेल के लेटेस्ट 12 जनरेशन के i3 और i5 प्रोसेसर के अंदर, तो i3 12100F जैसा प्रोसेसर जो है 9 से 9,500 रुपए के बीच में मिल जाता है। वहीं अगर हम i5 12400F प्रोसेसर को देखें तो वो लगभग हमें 15,000 रुपए तक का देखने को मिलता है, यानी कि ऑलमोस्ट 5,000 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस हो गया। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग i5 आप i3 ऐसा प्रोसेसर ले सकते हो जहां पे आपका काम i3 ऐसा प्रोसेसर कर सकता है, और वो जो आपके एक्स्ट्रा 5,000 रुपए से ज्यादा का बजट है वो आप किसी और पार्ट में लगा सकते हो, लाइक आप ज्यादा रैम ले सकते हो उससे, या फिर ज्यादा हार्ड ड्राइव स्टोरेज खरीद सकते हो, या फिर ज्यादा अच्छी आप SSD ज्यादा स्टोरेज वाली SSD अपने PC के अंदर लगा सकते हो लेकर के। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की। तो दूसरी मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो ये कि ज्यादा कोर्स मीन्स ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर। तो बहुत सारे लोग जो है अक्सर ये समझते हैं अभी भी कि ज्यादा कोर्स अगर प्रोसेसर के अंदर रहते उसका मतलब है कि वो ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल उठा कर दे दूं, लाइक AMD की FX सीरीज आई थी जो कि बुलडोजर सीरीज के नाम से प्रोसेसर आए थे, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर थे, 8 कोर वाले प्रोसेसर थे, उसमें भी जो उनका हाई एंड प्रोसेसर था FX सीरीज का 8 कोर्स वाला, उसको अगर अभी जो लेटेस्ट AMD के Ryzen सीरीज चल रही है उसका अगर मैं Ryzen 5 5600X जो कि एक 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो हमारे जो Ryzen 5 5600X की जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा मिलेगी आपको इन कंपैरिजन टू FX सीरीज 8 कोर प्रोसेसर। सो खाली ज्यादा कोर होने का मतलब ये नहीं कि आपको ज्यादा ही परफॉर्मेंस मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखती है जनरेशन ऑफ द प्रोसेसर, कि किस जनरेशन का प्रोसेसर आप यूज कर रहे हो। लेटेस्ट जो भी जनरेशन है आपकी नए नैनोमीटर नोड्स के ऊपर बनी हुई होगी, तो उसकी जो 4 कोर की परफॉर्मेंस है वो आपके जो प्रीवियस जनरेशन का 6 कोर है उसके बराबर देखने को मिल सकती है। इसलिए सबसे पहले आपको देखना है कि जनरेशन कौन सी है, लेटेस्ट जनरेशन का जो भी प्रोसेसर है आपको वो कंसीडर करना है। उसके बाद में फिर आप ये भी देख सकते हो कि कितनी कोर्स है उसके अंदर और कितने थ्रेड्स मिल रहे हैं आपको, लाइक 6 कोर या 6 थ्रेड्स मिल रहे हैं या फिर 6 कोर 12 थ्रेड्स मिल रहे हैं। अगर थ्रेड ज्यादा मिल रहे हैं उसके अंदर, 1 कोर के ऊपर अगर 2 थ्रेड्स मिल रहे हैं जिसे हम हाइपर थ्रेडिंग भी कहते हैं, तो उस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बिल्कुल ज्यादा मिलेगी आपको इन कंपैरिजन टू जिसमें सिंगल थ्रेड मिल रहा है पर कोर के ऊपर। तो इसलिए आपको नंबर ऑफ कोर्स के साथ में नंबर ऑफ थ्रेड देखना भी जरूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको कोर क्लॉक्स भी देखनी है कि भैया कोर क्लॉक्स आपको प्रोसेसर के अंदर कितनी मिल रही है। और एक ये कॉमन सी बात है, जितनी कोर क्लॉक ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन जो प्रीवियस वाले पॉइंट्स हैं नंबर ऑफ कोर्स प्लस नंबर ऑफ थ्रेड्स एज वेल एज द जनरेशन ऑफ द प्रोसेसर, ये पॉइंट्स भी कंसीडर करने जरूरी हैं। और चेरी ऑन द टॉप ये भी बता दूं कि इन एक्चुअल जो परफॉर्मेंस नापी जाती है किसी भी प्रोसेसर की, वो नापी जाती है IPC गेन से, यानी कि इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल से, कि 1 सेकंड के अंदर वो प्रोसेसर कितने इंस्ट्रक्शंस ले पा रहा है और कितने इंस्ट्रक्शंस विद इन अ सेकंड एग्जीक्यूट कर पा रहा है। और ये चीज जो है जाहिर सी बात है बेंचमार्क्स वगैरह करके ही पता चल पाती है। तो भैया ये सारे पॉइंट्स कवर अप हो गए हमारे सेकंड पॉइंट के अंदर। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, और ये थर्ड पॉइंट भी जो है दोस्तों बहुत ही एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं और अभी भी मतलब करते ही है वाली मिस्टेक,
एक IGPU ले लेना अपने पीसी के लिए, जहां पे आप एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी लेने जा रहे हो साथ में। अब IGPU जिसे नहीं पता, तो भैया IGPU मींस इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाला प्रोसेसर, जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी हमें मिलते हैं, लाइक इंटेल के HD ग्राफिक्स होते हैं बहुत सारे प्रोसेसर में आपको मिलते हैं, और AMD के वेगा ग्राफिक्स हो गए। प्रोसेसर का एग्जांपल बताऊं तो आपका इंटेल का जल लाइक i3-12100 हो गया, और इंटेल का i5-12400 हो गया, और AMD के मैं बता दूं तो AMD का लाइक Ryzen 3 3200G हो गया, और Ryzen 5 5600G हो गया, Ryzen 7 5700G हो गया। तो ये सारे जो मैंने आपको बताया, ये सारे IGPUs हैं, यानी कि इनमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हमें देखने को मिलते हैं। अब भैया जब आप एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड यूज ही करने जा रहे हो अपने डेस्कटॉप के अंदर, अपने PC के अंदर, तो आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाला प्रोसेसर लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा ग्राफिक्स का जितना भी लोड है, जितना भी काम है, वो आपका ग्राफिक्स कार्ड हैंडल करने वाला है। आपके प्रोसेसर के अंदर जो भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स लगे हुए हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं रहेगा, कोई यूज नहीं रहेगा, वो समझ लीजिए नील पड़े रहेंगे ऐसे ही, कोई यूज में आएंगे ही नहीं वो। और आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है आराम से सारे ग्राफिक्स आपके हैंडल कर रहा होगा, और वो जो एक्स्ट्रा पैसे आपने IGPU लेने में दे दिए हैं, वो आपके बेकार चले जाएंगे, क्योंकि मोस्टली IGPUs जो है वो थोड़े महंगे आते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन IGPUs। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एक नॉन IGPU लेना है अगर आप एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लेने ही जा रहे हो अपने डेस्कटॉप के लिए। हाँ, अगर ऐसा मसला है आपके साथ में कि भैया आपको अभी कुछ महीने या साल भर तक आपको खाली बिना ग्राफिक कार्ड के काम चलाना है, और कुछ टाइम बाद 6 महीने साल भर बाद में आपको एक ग्राफिक्स कार्ड लगाना है अपने PC के अंदर, तो ऑब्वियसली आप एक IGPU के साथ में जा सकते हो, क्योंकि बिना इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के जो है, या फिर बिना ग्राफिक्स कार्ड के जो है, आपको डिस्प्ले आउटपुट मिलेगा ही नहीं अपने PC के अंदर। तो अगर आपको थोड़े टाइम बाद ग्राफिक्स कार्ड लेना है तो एक आप IGPU ले सकते हो, और तब तक के लिए IGPU से काम चला सकते हो जब तक कि आप ग्राफिक्स कार्ड नहीं ले लेते, और फिर आप अपने PC में एक ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो, तो IGPU भी आपका जो है आराम से काम करेगा ग्राफिक्स कार्ड के साथ में। और जो भी 6 महीने साल भर आपने इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स यूज करे होंगे, तो उसके पैसे तो आप 6 महीने साल भर में थोड़े बहुत तो वसूल कर ही लोगे। सो गाइस, अब बात करते हैं अपने चौथी मिस्टेक की, चौथे पॉइंट की, जो कि बहुत सारे लोग करते ही है, एक ऐसा प्रोसेसर ले लेना जो कि ओवरक्लॉकेबल हो, जबको उनको ओवरक्लॉकिंग करनी नहीं है, उनको एक नॉर्मल वर्क करना है, भाई उनका उनके लिए टर्बो बूस्ट वगैरह जैसे फीचर्स ही काफी हैं। अब ये जो बात अप्लाई होती है, ये स्पेशली इंटेल के प्रोसेसर्स के अंदर अप्लाई होती है, जो लोग इंटेल के प्रोसेसर्स खरीदते हैं के सीरीज वाले, क्योंकि AMD के जो प्रोसेसर्स हैं, AMD के राइजन सीरीज के जितने भी प्रोसेसर्स हैं, वो सब ओवरक्लॉकेबल होते हैं, सब अनलॉक्ड होते हैं, वो सारे ओवरक्लॉक किए जा सकते हैं, तो वहां तो ये बात अप्लाई होती नहीं है, ये बात खाली इंटेल के प्रोसेसर्स के अंदर अप्लाई होगी। तो इंटेल के अंदर बहुत सारे आपने प्रोसेसर्स देखा होगा जिनके मॉडल के अंदर के लगा हुआ होता है, लाइक i5-12600K। तो ये जो के वाले प्रोसेसर्स होते हैं, ये स्पेशली ओवरक्लॉकिंग के लिए बने हुए होते हैं, इन्हें आप ओवरक्लॉकिंग करके अपना जो भी तिगड़मबाजी टेस्टिंग वगैरह ये सब कर सकते हो, और उसकी ओवरक्लॉक करके पावर बढ़ा सकते हो। लेकिन इंटेल के जो ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर्स होते हैं, वो जो नॉर्मल उनके प्रोसेसर्स होते हैं नॉन ओवरक्लॉकेबल वाले ना, तो उनसे महंगे होते हैं। बहुत सारे लोग जो है के सीरीज देख के, भैया ये जो है थोड़ा बेहतर होगा, ये के भी लगा हुआ है आगे, या उनको थोड़ी कोर क्लॉक्स वगैरह ज्यादा देखने को मिल रही होंगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता वो जो कोर क्लॉक्स हैं ओवरक्लॉक होकर पहुंचेंगी वहां तक, तो वो वाले प्रोसेसर्स उठा लेते हैं और देखते हैं भैया ये क्या मसला है, इतनी कोर क्लॉक्स तो हमें देखने को मिल ही नहीं है इसके अंदर, क्या हो गया, प्रोसेसर हमारा खराब हो गया। तो अक्सर यही चीज होती है कि वो लोग जिन्हें नहीं पता होता ओवरक्लॉकिंग, या उन्हें करनी नहीं होती, और वो लोग के सीरीज वाले इंटेल के प्रोसेस उठा लेते हैं ओवरक्लॉकेबल वाले, और उनके उतने पैसे जो है वेस्ट चले जाते हैं। तो इंटेल के अगर खासतौर पर अगर आप प्रोसेस ले रहे हो, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, अगर आपको ओवरक्लॉकिंग नहीं करनी है, तो आप वो वाला प्रोसेसर मत लो जिसके आगे के लगा हुआ है, इस बात का आप जरूर से पता कर लीजिए। सो दोस्तों, ये थी कुछ 4 मिस्टेक्स जो कि अक्सर लोग करते हैं प्रोसेसर खरीदने के अंदर अपनी PC बिल्ड के लिए। क्यों, पॉइंट सही बताया ना मैंने, सही बताया, वीडियो अच्छी लगी हो, मैं भी अच्छा लगा हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फिर जल्दी से, और चैनल की पर जो भी फर्स्ट टाइम आया है तो पता ही है आपको क्या करना है, नीचे जो लाल वाला बटन दिया हुआ है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा करके उसके पास वाला बेल आइकन का बटन पे क्लिक करके उस पर ऑल वाले बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। बताने में लंबा प्रोसीजर लग रहा है, लेकिन क्लिक करने में ज्यादा टाइम लगेगा। और इन पॉइंट्स के अलावा भी आपका कोई सवाल हो प्रोसेसर से रिलेटेड, किसी भी प्रोसेसर से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और गाइस रुको, एक और इंपॉर्टेंट बात, हर संडे जो है मैं इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव सेशन करने जा रहा हूँ, जहां पर मैं आप लोगों को आपके जो भी बेसिकली सवाल होंगे, तो वो सवाल पूछने के लिए आपको मैं अपने साथ लाइव में जोड़ लूंगा 1x1। किसी का भी कोई सवाल होगा तो उसे मैं लाइव में अपने साथ ले लूंगा, और वो मुझसे ऑन द लाइव जो है सवाल कर सकता है, और मजे करेंगे लाइव स्ट्रीम के अंदर भी। तो संडे को जो है टाइम में जो हूँ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में जल्दी शेयर कर दूंगा मैं, और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं डाल दूंगा कि क्या टाइमिंग रहेगी संडे को हमारे इंस्टाग्राम लाइव की। सो गाइस फाइनली फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्दी अपनी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप बूमिंग विद मी।